बिजली विभाग की वजह से हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर, मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसका खत्म हो गया, क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए, क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते पढ़ने लिए, हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा, अगर हम मरी जाएंगे तो क्या? जो घटना हुई है उसके यहाँ से क्या आपकी डिमांड है सर? हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट एक प्रॉपर यहाँ पे आए, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रोक्स, हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख, ढाई लाख रुपए हमारी फीस होती है, रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है, उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही जो प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए। यहाँ पे रोड का ब्लॉकेज, यहाँ पे सफाई सुथराई, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सब फैसिलिटी एक स्पेशल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है जी। मेरा नाम अमन कुमार है। अमन क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं सर यहाँ। घटना हुई उसको लेकर रोड ब्लॉक किया हुआ है, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है सर कि कैजुअलिटीज छिपाई जा रही है, अराउंड 3 कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। एक्चुअल कैजुअलिटीज एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे उन्होंने बताया कि अराउंड 9 प्लस कैजुअलिटीज है, वो छिपाया जा रहा है। प्लस कोई भी अभी तक कोई भी प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आया नहीं है, एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है प्रॉपर, ये चीज करप्टेड है। एमसीडी वाले आते हैं लाइब्रेरी से पैसे लेके चले जाते हैं सब ओनर से, सिर्फ ये राव आई इसकी बात नहीं है, सारे कोचिंग सेंटर्स, सारे बिल्डर्स जितने भी हैं वो सब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ओपन करके रखे हुए हैं, तो उन सब पर एक्शन होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करनी है तो हर जगह पूरे इंडिया में जहां जहां स्टूडेंट है वो सारे जोन्स में अरेस्टमेंट होनी चाहिए सर। फिर ऐसे ही सर स्टार्ट कर देंगे लोग, तो ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। 4 दिन पहले मेंस लिखना था भाई को, वो मारा गया, नीलेश नाम का लड़का था। इनको प्रशासन को या कोचिंग माफिया को सबक नहीं लेनी थी, क्यों नहीं लिया? डॉक्टर विक्रम मेरा नाम हुआ और आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी 5 मंजिला से, कैसे भयावह तरीके से बच्चा जान बचा रहे थे। हम अपनी ड्यूटीज तो फॉलो करते हैं, माँ बाप के गहने बेचकर जमीन बेचकर पढ़ने आते हैं, लाखों फीस इनको देते हैं, लेकिन ये कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम ही ड्यूटी को फॉलो करेंगे, हम कहते हैं इन कोची माफियाओं को लटकाओ, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं देश को। सर कम से कम सर मोदी जी मन की बात में स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा सकते थे, उन्हें पता था कि आज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, रात को अराउंड 26 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं इस इंसिडेंट के, स्टिल मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। वो आप पॉलिटिशियन है रहे, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो नेशन होल्ड कर रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डायरेक्ट बात करे। आज किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा मर सकता था, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी डायरेक्टर्स है, वो भी यहाँ पढ़ाई करके गए हुए हैं, वो भी मर सकते थे, उनके माँ बाप हार्ट अटैक से मर सकते थे, उन सब पे एक्शन होनी चाहिए।
बिजली विभाग के जैसे हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर, मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसका खत्म हो गया, क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए, क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते पढ़ने लिए, हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा, अगर हम मरी जाएंगे तो क्या? जो घटना हुई है उसके यहाँ से क्या आपकी डिमांड है सर? हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट है प्रॉपर यहाँ पे आए, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रोक्स, हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख, दो ढाई ढाई लाख रुपए हमारी फीस होती है, रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है, उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही जो प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए। यहाँ पे रोड का ब्लॉकेज, यहाँ पे सफाई सुथराई, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सब फैसिलिटी एक स्पेशल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है जी। मेरा नाम अमन कुमार है। अमन, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं सर यहाँ। घटना हुई उसको लेकर रोड ब्लॉक किया हुआ है, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है सर कि कैजुअलिटीज छिपाई जा रही है, अराउंड 3 कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। एक्चुअल कैजुअलिटीज एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे उन्होंने बताया कि अराउंड 9 प्लस कैजुअलिटीज है, वो छिपाया जा रहा है। प्लस कोई भी अभी तक कोई भी प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आया नहीं है, एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है प्रॉपर, ये चीज करप्टेड है। एमसीडी वाले आते हैं लाइब्रेरी से पैसे लेके चले जाते हैं सब ओनर से, सिर्फ ये राव आई इसकी बात नहीं है, सारे कोचिंग सेंटर्स, सारे बिल्डर्स जितने भी हैं वो सब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ओपन करके रखे हुए हैं, तो उन सब पर एक्शन होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करनी है तो हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वो सारे जोन्स में अरेस्टमेंट होनी चाहिए।